अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक बदन है, खुश बदन है। अच्छा, रोज़ाना हम रोज़ाना से मुख्तलिफ टॉपिक के कारण गपशप लगाने हैं, थोड़े नाल काम भी पेंदे ने, बहुत से काम होंगे, लेकिन पहले जो वीडियो बनाई है थोड़े नाल बहुत से मौजू तो बादशाह गलशन हुई है, लेकिन हम जिस मौजू तौर गपशप होती पई है वह मौजू है सरसों का तेल, जिससे हम सरसों का तेल लगाते हैं और इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तो जानते हो तुम तो जानते होंगे ने, फिर खास तो ये जाट लोग के तेल किस किस जगह पर इस्तेमाल होता है। खास तो ये देखो, ये हम देखते हैं, हम देखते कि हम सब सारे भाई डालते फिरने हैं कि आया कि ये देख ले, ये पौधा बहुत माशाल्लाह प्यारा सब प्यारा पौधा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इस तेल ही कटिए, खूबसूरती से ज़बरदस्त है और ये फायदे भी बहुत हैं। ठीक है ना, खास तौर असा तो फिर इन टाइमो टाइम जमीन सुट दिता सी क्योंकि सानू आखिर कोई मसला ना बने। ठीक है ना, लेकिन तुस समझते हो सो तो, और किस तरह तुम तफसील समझाया जाए कि सानू तुसें दस दियो। सरसों का तेल ये इससे हम ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये जानवरों का जानवर जिस तरह हम जानवरों में इस्तेमाल करने हैं बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है और जानवरों का फायदा भी तो दसिया और तारफ करवाएंगे कि जानवर किस तरह करने और उससे हर तो जोड़ा तारफ थोड़ा असर करा रहे हैं। इस दिन ये ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है ना, ये देख लें, अभी मैंने इसको तोड़ दिया, ये कितना जुल्म है ये देख लें। तो समझ दो सर कि मैं हूँ इस तरह की कराऊँ। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, जो पिछले वीडियो बनाई तो बड़ा मज़ेदार सीन आई पे, लेकिन जी वीडियो पे उम्मीद करना कि तुम्हें शायद वो कुछ समझ ना आए, लेकिन फिर भी अगर तुम समझ आती है तो समझ दो अस किस तरह वीडियो बना रहे हैं कि आया कि अस मतलब बस या चैनल सब्सक्राइब करने, फिर भी आप तो समझ दो कि हम फिर भी हम आपका तौर पर इसके साथ करवाएंगे और मैंने वीडियो पूरी तो करनी है, लेकिन जिस तरह मर्जी करूँ। ठीक है, और इसके साथ ये देख रहे हैं, ये बहुत से पौधे हमारे साथ लगे हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है, इसका फ़ायदा भी बहुत है हमें। इसके साथ हम इसको अभी तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ जानवरों को खिलाते हैं, इसको काट कर ले जाते हैं और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है अगर जानवरों को डाला जाए तो, और इसके साथ बहुत सी और भी फायदे हैं, ये और भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इसका तारफ हम आपको बाद में या अगली वीडियो में करवाएंगे। और इसी घास की वजह से ना जो बीमारी वगैरह होती है इन पौधों में शामिल होती है, इन पौधों की वजह से ये देख लें आपको नज़र तो आ रहा होगा, और इन पौधों की वजह से बीमारियाँ आगे नहीं जाती। अभी हम जिन पौधों की बात करेंगे वो तो हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इसके सारे तफ्ती का लेते हैं आया कि इसका तारफ आपके साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। मुझे पता है कि अच्छा नहीं हुआ, तो अभी मजबूरी है, अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तफसीलन आपसे बात करेंगे और इसका तारफ भी करवाएंगे, और इससे हट कर भी और भी हमारे साथ ये पौधे खड़े हैं, पहले लीमन और वो छोटा दाना है, ये उसका बाप है ना, ये उसका बाप है, तो इसका तारफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो उस टाइम तक देने हैं कि हूँ की होता है। ठीक है, उस तो बाद फिर इंशाल्लाह आप उम्मीद कर सकते हो हमारी वीडियो पसंद हम से, तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करना वीडियो पसंद आई उसमें।